तटस्थ इंक्वायरी इनटू व्हाट हैपेंड। उसमें भी मेरी टेंडेंसी ये होती है कि मैं मेरी ओर से कहाँ रॉन्ग हुआ इस पर ज़्यादा इसलिए खोजता हूँ कि मैं उसी को करेक्ट कर सकता हूँ। और हमारे टीचर ने अलजेब्रा में कहा कि ये क्ष मानो, मैंने कहा क्यों मानूंगा। जब मेरी अपेक्षा के अनुसार या मेरी इच्छा के अनुसार चीज़ें नहीं होती हैं और मैंने कल्पना कुछ की होगी और दूसरा ही कुछ हो जाए तो अनएक्सपेक्टेड जब फेल्यूर मिलता है तब जो अवस्था हमारी होती है उसको मैं निराशा शब्द इसलिए नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि निराशा का मतलब है कोई आशा ही नहीं है, तो वो एक तो एक बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव स्टेट हो गई। लेकिन उसके पहले की कहें कि अनपेक्षित अपयश मिला तो परिणाम तो मन पे होता है, दुख होता है, फ्रस्ट्रेशन लगता है, कुछ नहीं हो रहा है, सर में हाथ लगाने की इच्छा होती है। ऐसे समय प्रेरणा कहाँ से मिलती है? आप डॉक्टर हैं, एक मरीज आपके पास आया, सीरियस है, आपने आपके बेस्ट एफर्ट किए, फिर भी 7 दिन के इलाज के बाद में वो मरीज मर गया, क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन होता है, दुख होता है, थोड़ा सेल्फ ब्लेम भी होता है कि मेरी क्या गलती हो गई, थोड़ा औरों पे भी ब्लेम होता है, कुछ पेशेंट को भी ब्लेम कर देते हैं, स्मोकिंग कर रहा था, बहुत लेट आया, जादू टोना करते रहा, या उसको कहा था कि ऑपरेशन के बाद में ऐसा ऐसा मत करो, फिर भी किया, इसलिए मर गया। तो आदमी अपने आप को जिम्मेवारी से छुटकारा पाने के लिए दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने के लिए बहाने भी ढूंढता है, दैट्स हाउ माइंड वर्क्स। तो ये सब होता है लेकिन इससे कोई जॉब वॉब मिलता नहीं है। उसको ब्लेम डालने से इतना ही होगा कि मैं अपने आप को एब्जॉल्व कर लूँगा और वैसा ही फिर से रिपीट करने के लिए फ्री हो जाऊँगा, तो प्रॉब्लम फिर से रिपीट होगा, सो दैट्स नो सॉल्यूशन। तो एक तो तटस्थ इंक्वायरी इनटू व्हाट हैपेंड, व्हाई डिड थिंग्स गो रॉन्ग। वो पेशेंट अगर मर गया तो व्हाई डिड थिंग्स गो रॉन्ग, क्या मेरा डायग्नोसिस गलत था, मेरी ट्रीटमेंट गलत थी, कि डिसीज बहुत एडवांस था इसलिए बियॉन्ड ट्रीटमेंट था, कि और कुछ था, कि हमारे हॉस्पिटल में आवश्यक डिवाइसेस ही नहीं थे, कि मेडिसिन जो था वो सबस्टैंडर्ड था, कि मेडिकल साइंस को इसका इलाज ही पता नहीं है अभी, तो कोई उम्मीद करने का मतलब देर को भी मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस। तो पहले तो ऑनेस्ट इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी एंड इंट्रोस्पेक्शन इनटू व्हाट वेंट रॉन्ग। फॉर्चुनेटली मेरी थोड़ी टेंडेंसी वैसी है कि मैं दूसरों को ब्लेम करने के बजाय यहाँ ढूंढता हूँ कि व्हाट वेंट रॉन्ग। उसमें भी मेरी टेंडेंसी ये होती है कि मैं मेरी ओर से कहाँ रॉन्ग हुआ इस पर ज़्यादा इसलिए खोजता हूँ कि मैं उसी को करेक्ट कर सकता हूँ। इट्स मच बेटर दैट आई फाइंड कि वेयर आई कुड हैव बिहेव डिफरेंटली, तो तुरंत मेरे हाथ में है। सो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर फोर्सेस, ये देश ही ऐसा है, इंडियन से ऐसे होते हैं, गरीबी गरीबी बस, ये सब गरीबी के कारण ये सब प्रॉब्लम है, लोग इलिटरेट है, अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा के कारण ये सब है, ये हम एक्सटर्नल ब्लेम तो ढूंढ लें लेकिन तुरंत मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये ब्लेम मैं डाल भी दूँ और मेरा वो कारण मीमांसा कुछ हद तक सही भी होगी मेरी, लेकिन सिर्फ उतना वहीं तक मैं अगर रुक जाऊँगा तो फिर मैं पैरालाइज्ड हो जाता हूँ, क्योंकि सारे ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मैंने बाहर भेज दिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गलती हुई, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की गलती हुई, हेल्थ मिनिस्ट्री की गलती हुई, या तो मार्केट फोर्सेस गलत है, कैपिटलिज्म खराब है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अरे ये सब सही है भैया, लेकिन तेरा क्या होगा रे कालिया,
नरेंद्र मोदी को या मार्केट को या ट्रंप को इल्जाम देने से कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाला है। तो इसलिए ये सब कारण मीमांसा ढूंढने के बाद भी हमको ये सोचना चाहिए कि हाँ ये सब सही होगा पार्टली, लेकिन मैं क्या डिफरेंट कर सकता था, दैट इज मच मोर हेल्पफुल। मार्क्सिस्टों की एक बड़ा उनका ट्रैप हुआ, मार्क्सिस्टों का ट्रैप ये हुआ कि मार्क्सिस्टों के विश्लेषण में कार्ल मार्क्स का नाम सुना है, कार्ल मार्क्स की जो भी कोई उनकी मार्क्सिज्म है उसमें बहुत व्यापक बौद्धिक विश्लेषण बहुत अच्छा है और उन्होंने कुछ फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन किए इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन एक उसमें एंड में बड़ी दिक्कत है। उसमें दिक्कत यह है कि सब कुछ प्रॉब्लम जो है वो क्लास स्ट्रक्चर के कारण पैदा होते हैं और ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज समाज में विषम ढंग से वितरित हैं, इसलिए सारे प्रॉब्लम हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व किए बगैर बाकी सब फालतू है। अब हुआ ना प्रॉब्लम, अब सारी दुनिया में आज कैपिटलिज्म चल रहा है। अगर मेरा डायग्नोसिस यहां पर आके पहुंचे कि ये बच्चा इसलिए मरा कि दुनिया में कैपिटलिज्म है, तो मुझे क्या सोल्यूशन मिला? वो कैपिटलिज्म को मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं भी उसी के अंदर जीता हूँ, मैं जाके मार्केट में टूथपेस्ट भी खरीदता हूँ, वो भी कैपिटलिज्म का प्रोडक्ट है, मेरे गाड़ी में पेट्रोल भरता हूँ या टीवी ऑन करता हूँ, वो भी कैपिटलिज्म का प्रोडक्ट है। तो दिन रात तो मैं कैपिटलिज्म ही खा रहा हूँ, उसका दोष है ये कहने से मैं तो एब्जॉल्व तो हो जाऊंगा, लेकिन इट डजंट गिव मी एनी इमीडिएट डूएबल एक्शन। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम विथ मार्क्सिज्म, कि वो हर चीज का विश्लेषण यहां कर देता है और सॉल्यूशन क्या कहता है, फिर गरीबों के संगठन होके क्लास स्ट्रगल होना चाहिए, रिवॉल्यूशन होनी चाहिए, सत्ता गरीबों की आनी चाहिए, फिर सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब वो कब होगा? और उसके लिए मुझे रिवॉल्यूशनरी बनना पड़ेगा, तो मेरे डॉक्टरी का क्या करूं? और वो रिवॉल्यूशन जहां हुई वहां तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुए नहीं। तो अगर मेरे विश्लेषण में मैं सारी प्रॉब्लम की जिम्मेवारी औरों पे डाल दूं या बहुत मैक्रो फोर्सेस पे डाल दूं, सो वी नीड एन एनालिसिस जो कॉम्प्रिहेंसिव हो, लेकिन विच शुड अल्टीमेटली गिव मी सम पॉइंट्स वेयर आई कैन एक्ट। उससे ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये नहीं आता है या कम आता है। अगर मुझे मेरी पॉइंट ऑफ एक्शन के लिए कुछ मिला ही नहीं और सिर्फ कैपिटलिज्म के कारण ही है, या तो पैट्रियार्की है या और स्त्री मूवमेंट वाली जो है ना उनका एक डायग्नोस पैट्रियार्की है, भैया है, कौन नहीं कहता है तो सही, लेकिन तेरे और मेरे कहने से एक दिन में तो पैट्रियार्की बदलने वाली नहीं है, 4000 साल से चल रही है, तो वो है, इसको स्वीकार कर ले, वो दोषपूर्ण है ये भी स्वीकार कर लें, लेकिन मैं आज और कल में क्या कर सकता हूँ ये अगर मैं नहीं ढूंढता हूं तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं। इसलिए एक बड़ा सुंदर ऐसा वाक्य है कि ओवर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, कि सिर्फ एनालिसिस ही एनालिसिस किया और हर चीज का ग्लोबल लेवल तक एनालिसिस कर डाला, तो उतने हद तक मैं किसी भी एक्शन के लिए इनकेपेबल हो जाता हूं, तो फिर मैं क्या हूं? मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तो फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन, पैरालिसिस, एक्शन पैरालिसिस। तो इसलिए ऐसे मोमेंट जब आते हैं तो पहले एक तो ऑनेस्ट लेकिन निर्लिप्त भाव से एक विश्लेषण करना चाहिए कि व्हाट वेंट रॉन्ग, उसमें ऐसे कौन से फैक्टर हैं कि जो मेरे हाथ में मॉडिफाइबल, विच आई कैन मॉडिफाई, आई कुड हैव मॉडिफाइड देम, क्योंकि मैं मेरे लिए वही डूएबल है। भारत का एवरेज इनकम कम है पर कैपिटा, इसलिए प्रॉब्लम है, बात सही है, लेकिन मेरे चाहने से वो कि भारत का पर कैपिटा इनकम तो दो दिन में नहीं बदलने वाला है, तो मैं कल क्या करूं फिर कि राह देखूं कि 25 साल के बाद भारत का पर कैपिटा इनकम 2025 $5 ट्रिलियन होने का सपना है और नहीं हुआ तो ये तो नेता का वहाँ आश्वासन है, होता जाता तो नहीं है। इसलिए एनालिसिस के द्वारा मुझे मेरे डूएबल एक्शन प्रोग्राम मिलने चाहिए, दैट इज वन।
सेकंडली कभी कभी थोड़ा जो हमारा लॉन्गर पर्सपेक्टिव है उसको रिमाइंड करना यूजफुल हो जाता है कि मैं क्या करने निकला था। मैं आरोग्य स्वराज्य स्थापित करने निकला हूँ, उसमें एक गांव के कुछ लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे धुतकार दिया, इनकार कर दिया, तो ठीक है वो गोल बहुत लंबा है, ये एक गांव का एक दिन का अनुभव ये कितना मायने रखता है। तो मैं उस एक ही अनुभव में इतना उससे आवेशित हो जाता हूँ कि सब ओरिएंटेशन लॉस्ट हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा बाजू में हट के देखो, हाँ लेकिन मैं कहाँ निकला था, किस चीज़ के लिए निकला था, ओके उसमें ये जो एक्सपीरियंस है ये कितना मायने रखता है, ओके दिस इज़ अ स्मॉल ट्रांजिएंट लोकल एक्सपीरियंस। ये सेटबैक जो है अभी मुझे बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन जब मैं थोड़ा बाजू में खड़ा रह के देखता हूँ तो ध्यान में आता है अच्छा 50 साल की मेरी ज़िंदगी में दिस इज़ वेरी स्मॉल थिंग। तो उससे थोड़ा बैलेंस आता है। तीसरा जो होता है वो ये कि उस वैसे स्थिति में एक आदमी को भावनिक भी शेयरिंग के द्वारा, मित्रों के द्वारा या लाइफ पार्टनर हो उनके द्वारा या और कोई मेंटर हो उनके द्वारा, उनके साथ चर्चा करने से बहुत अच्छा सपोर्ट फील होता है। और चौथा जो है वो आपको मिलता है नहीं मिलता है ये आप पर निर्भर करता है कि अगर ईश्वर में विश्वास है तो बहुत मदद होती है। मेरी मर्जी के मुताबिक काम नहीं हो रहे हैं, मामला नहीं चल रहा है और मैं तुरंत इसको बदल भी नहीं सकता हूँ, अब मैं क्या करूँ, तो मुझे फ्रस्ट्रेशन चाहिए कि अगर ईश्वर में विश्वास से अगर वो मोमेंट मेरा टल जा सकता है, मुझे आशा मिल सकती है, विश्वास मिल सकता है, प्रकाश मिल सकता है, तो ईश्वर है कि नहीं ये प्रश्न ही निरर्थक है, उससे मुझे उपयोग होता है कि नहीं होता है दैट इज द क्वेश्चन। आपने एटम देखा है? नहीं देखा? कभी नहीं देखा? फिर कैसे इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन पे भरोसा कैसे कर लेते हो? H2+O इज इक्वल टू H2O, वो तुमने H तो कभी देखा ही नहीं, उसका एटम तो नहीं देखा और न O का एटम देखा, फिर बिलीव कैसे कर लेते हो? तो तुम कहते हो कि वो कोई साइंटिस्ट ने खोज के निकाला, उसने देखा होगा, उसने भी नहीं देखा, तो फिर उन्होंने कुछ ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशन किए वगैरह रखे कि उसमें इस अजम्पशन के अनुसार रिजल्ट मिलते हैं, तो ये इनडायरेक्टली हाइपोथेसिस जो है प्रूव तो नहीं होता है लेकिन डिसप्रूव नहीं होता है, तो फिर हमने मान लिया कि हाँ फिर ये मामला फिट हो रहा है कि जैसा जैसा कहा अगर H2 और O मिलके H2 होता है ऐसा अगर मान लेते हैं तो कई रिजल्ट उसके मुताबिक आते हैं, सो दिस मस्ट बी मोस्ट प्रोबेबली दिस माइट बी ट्रू, दिस इज हाउ वी बिलीव इन एटम्स। तो ऐसा सोचो कि ईश्वर वैसे ही एक एटम है या वैसे एक आइटम है, जो भी मानना हो। उपनिषद में एक कहानी है, वो कौन से उपनिषद में मुझे मिल नहीं रहा है, मैं कहानी तो बताता हूँ लेकिन किसी आदमी ने मुझे पूछ लिया कौन से उपनिषद में, तो मैंने ढूंढ के निकाला लेकिन मैंने जितने देखे मेरे पास जितने हैं 10 उपनिषद उसमें मुझे मिली नहीं, तो वो अभी मुझे ढूंढ के निकालना है कि कौन से उपनिषद की कहानी है। ये मैंने विनोबा से सुनी है तो उन्होंने कहा था ये उपनिषद में है तो होनी तो चाहिए। कहानी ऐसी है पुराने जमाने की, वेद उपनिषद के ज़माने की, एक गांव था, उस गांव में एक बूढ़ा मुखिया बूढ़ा पिता था, वो एक दिन मर गया। अब मरते समय उसने ऐसे लिखा कि उसकी जो कोई संपत्ति थी उसको किसको किसको मिलेगी, 3 बेटे थे तो उसने ऐसे बाकी तो चीज़ें ये खेती इसको मिलेगी, ये घर इसको मिलेगा, उसके पास 17 बैल थे, तो उसने विभाजन ऐसे किया कि मेरा बड़ा लड़का सबसे जिम्मेवार है, उसका परिवार भी बहुत बड़ा है, तो आधे बैल उसको दिए जाए। और फिर 1/6 बैल मेरे दूसरे बच्चे को दिए जाए और 1/9 बैल मेरे तीसरे बच्चे को, नहीं 1/3 बैल दूसरे बच्चे को दिए जाए, 1/9 बैल तीसरे बच्चे को दिए जाए। अब 17 बैल है,
आधे भी नहीं कर सकते हो, वन थर्ड भी नहीं कर सकते हो, और वन नाइन्थ भी नहीं कर सकते हो। और बूढ़ा तो ये कह के मर गया। कैसे करे, बैल को काटे? तो कोई तो झगड़ा मिटे नहीं, तो वो गए गांव के मुखिया के पास। मुखिया ने कहा मैं कल आता हूँ। तो अगले दिन सुबह वो मुखिया, वो अपने उसका बैल पे बैठ के, उन दिनों बैल पे बैठ के चलते थे या चलते होंगे, कथा में चलते थे, तो बैल पे बैठ के वो आया। उसने कहा अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है क्या, ठीक है ऐसा करो, ये 17 बैल यहाँ खड़े करो। किए, अब ये मेरा 18वां बैल भी मैं इसमें दे देता हूँ, मैं तुम्हारे पिता का मित्र ही हूँ, तो उसके 17 बैल, ये मेरा 18वां बैल, 18 बैल हो गए। इसमें से वन थर्ड जो हैं, ने कितने कहे मैंने, आधे, तो बड़े बच्चे को कितने मिले, 9। फिर दूसरे बच्चे को वन थर्ड मिले, कितने मिले, 1/3 मिले, तो 6, 18 बैल हो गए ना, तो 1/3 दे दिए तो 6 उसको दे दिए, 9 और 6 कितने हो गए, 15। तीसरे बच्चे को 1/9 देने हैं, 2, तो 15 और 2 17, और वो अपना 18वां बैल लेके बूढ़ा वापस चला गया। बराबर है, समझा क्या? 17 बैल का कोई विभाजन हो नहीं सकता था, लेकिन 18वां बैल टेम्परेली उसमें डाला तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वो बैल जैसा था वैसे ही रहा। तो 18वां बैल ऐसे सोचो कि नोशनल था। आप गणित जब पढ़ते हैं तो वो अलजेब्रा में क्ष होता है, मराठी में क्ष कहता है, इंग्लिश में क्या एक्स कहते होंगे, है ना, वो एक्स होता है। वो एक्स होता है क्या कुछ? मैं जब 6ठी कक्षा में गया और हमारे टीचर ने अलजेब्रा में कहा कि ये क्ष मानो, मैंने कहा क्यों मानूंगा। मैं लिटरली मैं झगड़ पड़ा शिक्षक, और हमारी स्कूल ऐसी थी कि उसमें आप टीचर से झगड़ सकते थे। गांधी जी की स्कूल थी तो वहाँ टीचर की डिक्टेटरशिप नहीं थी। तो उसने कहा अरे तेरा क्या जाता है, वो क्ष पकड़ना। मैंने कहा कहाँ पकड़ू, दिखाओ तो सही मुझे, पकड़ने के लिए मुझे दिखाओ। उसने कहा ऐसा नहीं होता है, वो पकड़ना पड़ता है। मैंने कहा ऐसे मैं बेवकूफ़ हूँ, आप मुझे गलत सिखा रही हैं, आप मुझे अंधश्रद्धा सिखा रही हैं, मैं नहीं सीखूंगा आपसे अलजेब्रा। मैंने 4 माह उन पर बहिष्कार कर दिया, मैं गया नहीं उनके क्लास को, गया ऐसे टीचर से मैं सीखूंगा नहीं। और हमारे स्कूल में वो भी टॉलरेट कर लिया कि लड़का विद्रोह कर रहा है, मानने को इनकार कर रहा है, उसका फ्रीडम है। अब सोचो कि वो क्ष जो मैंने मानने से इनकार कर दिया, उससे किसका नुकसान हुआ? बीजगणित में क्ष एक काल्पनिक ही नोशन है, लेकिन उसको इक्वेशन में लेने से इक्वेशन भी सॉल्व हो जाता है, और वो क्ष हमेशा अलग का अलग ही रह जाता है, उसको आप कंज्यूम नहीं करते हैं। अगर कंज्यूम करना हो तो फिर सवाल आएगा कि क्ष है कहाँ, वो है ही नहीं, वो तो माना है। तो इस विश्व को, इस जीवन को समझने के लिए ईश्वर ये वैसा एक अलजेब्रा का क्ष है या 18वां बैल है। बैल तो 17 ही हैं, लेकिन प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो। 18वां बैल अगर बाहर से उसमें डाल दूं, वो सही हो या काल्पनिक हो, एग्जिस्ट करता हो न करता हो, आइदर वे इट इज वेरी हेल्पफुल कंसेप्ट, इट सॉल्व्स माय प्रॉब्लम। और वो बैल तो वैसा का वैसा ही है, तो ऐसा नहीं कि वो नहीं हो तो मेरा कुछ बाद में अड़ने वाला है। व्हाट अ ब्यूटीफुल आइडिया। मैं तो सोचता हूँ कि ईश्वर होगा तो अच्छा ही है, नहीं होगा तो भी, ये तो मानवीय बुद्धि के कल्पना शक्ति की और क्रिएटिविटी की सबसे बड़ी उड़ान है। देर वॉज नो बिगर इनोवेशन, या तो डिस्कवरी, अगर वो है तो डिस्कवरी, नहीं है तो इनोवेशन, आइदर वे इट इज ग्रेट। अब लेकिन आप अगर आप 6ठी के बच्चे के लेवल पे होंगे तो आप कहेंगे मैं नहीं मानूंगा। मत मान भैया, जब जरूरत पड़ेगी तब मानोगे। तो इसलिए ऐसे जब फ्रस्ट्रेशन के मोमेंट आते हैं, अब ये 3 चीजें मैंने बताई, चौथी एक चीज यूजफुल रहती है कि कुछ अच्छे बड़े लोगों के चरित्र अगर पढ़े ना, तो हर एक के जीवन में ऐसे मोमेंट आते हैं तो अच्छा है। अब्राहम लिंकन के जीवन में भी आए थे, फिर तो ठीक है, मुझे भी आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है। गांधी जी के जीवन में भी आए थे तो फिर तो कोई हर्ज नहीं है।
तो असफलता ये तात्कालिक होती है, स्थानिक होती है, पूरे लंबे परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत छोटी चीज होती है। चूंकि अभी बहुत पास में है, चुभ रही है तो बहुत बड़ी लग रही है, तो उससे ऊपर आने के लिए ये कुछ चीजें हैं।